दिलीप बुआ 1966 से 1991 मुंबई का एक कुख्यात अपराधी था जो दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी के लिए काम करता था। मुंबई पुलिस ने इसे 1991 लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स गोलीबारी में इसके अन्य अपराधी साथियों के साथ मार्च गिराया। शूटआउट एट लोखंडवाला 2007 फिल्म इनके आपराधिक जीवन पर आधारित है, जिसमें तुषार कपूर दिलीप बुआ की भूमिका में है। एक, दिलीप बुआ का रियल नेम दिलीप कोहक है। इसका जन्म 1966 में महाराष्ट्र में हुआ था। दिलीप बुआ एक कुख्यात गैंगस्टर था जो कि डी कंपनी के लिए काम करता था। डी कंपनी एक अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट है जो कि दाऊद इब्राहिम द्वारा संचालित की जाती है। दिलीप बुआ ने एक बार भंडुप में एक बस स्टैंड पर दो लड़कियों को गोली मार दी क्योंकि वे उस पर हंस रहे थे। 1980 में ढोल लास अशोक जोशी की गैंग में शामिल हो गया और अपने बलबूतों पर जल्द ही उसने अपनी छाप बना ली। अशोक जोशी की गैंग के लिए कमजोर गांव में वह बहुत से रैकेट चलता था, साथ ही वह बाकुला कंपनी से भी जुड़ा हुआ था। 3 दिसंबर 1988 को जोशी को पबेल के पास बॉम्बे पुणे रोड पर इब्राहिम के आदेशों पर छोटा राजन की अगुवाई वाली 15 सदस्यीय टीम ने मारा था। अब माया डोलास अरुण गवली के नेतृत्व में एक गिरोह का सदस्य था। अमर नायक और अरुण गवली के बीच एक समझौते में वे अपने विवादों को सुलझाने के लिए सहमत हुए, लेकिन बदले में अमर माया डोलास को मरना चाहता था। जब माया डोलास इस बारे में जानते थे तो वे बच निकले और दिलीप बुआ और डी कंपनी के साथ शामिल हो गए। माया डोलास सिर्फ लापरवाह था, दिलीप बुआ ठंडा खून था। डोलास के विपरीत जब उनकी उंगलियां चिघर पर थीं तो बुआ का ध्यान कुछ भी नहीं बदल सकता था। वह छोटा राजन के लिए एक सलाहकार थे। दिलीप बुआ मध्य मुंबई में एक और प्रसिद्ध गैंगस्टर रामा भाई नायक का अंगरक्षक था। दाऊद इब्राहिम के पूर्व सहयोगी चट्टा राजन ने उन्हें भुगतान किया था। चेंबूर जाने के दौरान दिलीप बुआ ने राम नायक को गोली मार दी। फिर उन्होंने दाऊद इब्राहिम गिरोह के पक्षों को बदल दिया। डोलास और बुआ एक डरावनी जोड़ी थे और जल्द ही डी कंपनी के रैंकों में लगातार वृद्धि हुई। माया डोलास की बड़ी महत्वाकांक्षा थी और वे मुंबई के शीर्ष गैंगस्टर बनना चाहता था। उन्होंने दाऊद के आदेशों को मना कर दिया। लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स उच्च मध्यम वर्गीय घरों का एक कॉम्प्लेक्स था जो मुंबई के अंधेरी में लोखंडवाला स्वाति में आता है। 1991 में दाऊद और उनके आदमी माया डोलास और दिलीप बुआ चार अन्य लोगों के साथ उसी अपार्टमेंट में थे जब मुंबई पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। उस समय मुंबई पुलिस का नेतृत्व आफ्ताब अहमद खान कर रहे थे। कथित तौर पर ऐसा कहा जाता है कि दाऊद ने ही उनके आदमियों को मारने की टिप पुलिस को दे रखी थी। 4 घंटों तक चलने वाले इस एनकाउंटर को काफी न्यूज चैनल पर प्रसारित किया जा रहा था, जिसमें डोलास को बदनाम भी किया जा रहा था। एनकाउंटर के बाद कहा जाता है कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को डोलास के पास 7 लाख रुपयों की अमानत मिली थी, लेकिन डोलास के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश करने में मुंबई पुलिस कई कोशिशों के बावजूद असफल ही रही। 25 साल की उम्र में ही लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स शूटआउट एनकाउंटर में दिलीप बुआ मारा गया था। आफ्ताब अहमद खान के अनुसार यह सच से बहुत दूर था। डोला ने इमारत के अंदर से दुर्व्यवहार को रोक दिया जबकि बुआ द्वारा पंप किया गया। मैं उनकी प्रतिष्ठा को छोड़कर माया डोलास के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। बुआ कुछ और था। वह दाऊद इब्राहिम का सर्वश्रेष्ठ शूटर और उसका सबसे कुशल हत्यारा था। आज तक कोई दूसरा नहीं रहा है।